आज की वीडियो में हमको दिखाएंगे ये बहुत ही सुंदर सा और प्यारा सा बैग बनाना। तो देखिए इस तरह से हमने इस बैग को कैसे बनाया है और इसके लिए हमें क्या मेजरमेंट लिया है ये हम आपको बताएंगे हमारे वीडियो में। तो देखने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल चौधरी बुटीक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम आपको बताएंगे बैग बनाना कैसे है। तो ये आज हम आपको बहुत ही सुंदर सा बैग बना के दिखाएंगे। तो उसके लिए हमने ये एक शीट तैयार कर ली है। तो जो शीट तैयार करेंगे हम, उसके लिए हमें एक कपड़ा वो लेना है जिसका हमें बैग बनाना है, एक इसके अंदर लगानी है फोम वाली शीट जो कि बैग में हम लगाते हैं। तो देखिए ये शीट मैंने इस बैग के अंदर लगाई है, ये जो इस टाइप की जो शीट आती है इसको फोम शीट बोलते हैं। इसके लिए आप चाहो तो दूसरी कोई शीट भी लगा सकते हो फोम वगैरह की, लेकिन मैं ये वाली शीट लगा रही हूँ। इससे बैग का लुक अच्छा आता है, बैग थोड़ा हार्ड बनता है जिससे बैग अच्छा लुक देता है। और एक मैंने लिया है अस्तर, इसके ऊपर से मैंने सिलाइयाँ चारों तरफ से सिलाई लगा के और बीच से भी सिलाइयाँ लगा के तैयार कर लिया है। तो देखिए इस तरह से मैंने पूरे में इसमें सिलाइयाँ लगा ली है और बीच में मैंने इसमें फोम शीट भी डाल दी है। देखिए बीच में हमारी फोम शीट डली हुई है। तो ये जो शीट तैयार करने के लिए हमारा मेजरमेंट रहेगा वो रहेगा, इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने ली है 13 इंच और जो इसकी लंबाई ली है वो मैंने ली है 18। तो 30 और 18 लेंगे हम और बाकी मेजरमेंट आप अपने हिसाब से चाहो तो कम या ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन इस मेजरमेंट से बैग एकदम बहुत ही अच्छा सा और प्यारा सा बनेगा। तो देखिए हमारी शीट रेडी है, इसी तरह से आप भी रेडी कर लीजिए। तो देखिए इसके लिए हमने ये हमारे फित्ते भी बना के तैयार कर लिए हैं। तो देखिए ये हमने जो बनाए हैं वो फित्ते इस टाइप से बनाए हैं जिससे बैग पर जब हमारे लगेंगे तो इस तरह से लगेंगे। इस टाइप से जो फित्ते बनाते हैं उसका लुक ही कुछ अलग आता है, इससे इनका लुक बहुत अच्छा आएगा। तो आप भी इस टाइप से फित्ते बना सकते हैं। अब मैं आपको इस पर मेजरमेंट लगा के दिखाती हूँ कि हमें क्या करना है इसको सिलने के लिए। तो इस तरह से आप भी इसमें सिलाइयाँ लगा के इसको तैयार कर लीजिए। अब मैं इस पर सबसे पहले ऊपर से 2 इंच पर निशान लगाऊँगी, देखिए 2 इंच पे, और मैं इसको सीधा कट कर दूँगी 2 इंच वाले निशान को। ध्यान रहे हमें सिर्फ ऊपर वाले हिस्से को कट किया है, नीचे वाले हिस्से को कट हमें नहीं करना है। अब हम नीचे की तरफ हमारे निशान लगाएंगे, उसके लिए हमें क्या करना है इस साइड पे हमें लेना है 2.5 इंच यानी 2.5 इंच और इधर लेना है हमें 2 इंची। इधर हमने 2.5 इंच इसलिए लिया है क्योंकि इसमें हमारा 0.5 इंच का मार्जिन भी होता है। तो इधर से हमें 2 इंच लेना है और इधर से हमें लेना है 2.5 इंच। यही निशान हम इस साइड पर लगाएंगे 2.5 इंच पे और इस साइड से हम लगाएंगे 2 इंच पे। देखिए इस तरह से हम इन निशान्स को कट कर लेंगे। तो देखिए अब हम इनको इस तरह से कट कर लेंगे, इसमें हम कुछ भी एक्स्ट्रा कट नहीं करेंगे, जितना हमें निशान लगाया है सिर्फ उतना ही कट करना है। तो देखिए इस तरह से हमारा कट हो गया है। अब हम इधर से भी हमारा कट करेंगे। तो देखिए ये जो हमने 2 इंच की पट्टी छोड़ी थी इसमें से हमें फ्लैका कट करना है। तो देखिए हमारा 18 है तो इसका मिड पॉइंट ले लेंगे, यानी मिड पॉइंट आएगा हमारा 9 इंच पे। तो उससे हम 2.5 इंच इस साइड पे छोड़ देंगे और 2.5 इंच इस साइड पे छोड़ देंगे। जो हम फ्लैका बनाएंगे वो हमारा 5 इंच का लेंगे, तो इसीलिए हमने 2.5-2.5 इंच दोनों साइड पर छोड़ दिया है और बाकी जो कपड़ा होगा उसको हम कट कर देंगे। तो देखिए जो हमने फ्लैका का निशान लगाया है उससे भी हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि जो हम फ्लैका हमें चाहिए 5 इंच का तैयार चाहिए, तो हमने 5 इंच का निशान लगाया है और ये सिलाई में भी दबेगा तो इसमें हम 1/2-1/2 इंच छोड़ देंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसको कट करेंगे, सिर्फ एक पैर जितना इसको हमें छोड़ देना है, बाकी कट कर लेंगे इसको।
तो देखिए इस तरह से हमारा फ्लैग का तैयार है। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह से होगा, ये बाद में इस तरह से हमें बंद करने के लिए काम आएगा। तो देखिए हमारा बैग इस तरह से कट गया है, ये देखिए इस तरह से कट कर रेडी है। तो हम आपको दिखाते हैं इसका, इसके लिए हमें क्या करना है। तो हमें एक अस्तर का पीस और लेना है इसके ऊपर लगाने के लिए। तो देखिए इस तरह से हमें एक अस्तर का पीस और लेना है और बिल्कुल इसी के नाप से इसको कट कर लेंगे स्क्वायर से। तो देखिए इसकी साइज का हमने अस्तर कट कर लिया है। तो देखिए इस तरह से हमारा अस्तर कट है, इसी के साइज का हमने कट किया है। चलिए हम आपको दिखाते हैं सिलाई लगा के। सिलाई लगाने के लिए इसको हमें अस्तर को सीधी तरफ ही रखना है, उल्टी साइड पे नहीं रखना है, तभी ये अंदर की तरफ यानी उल्टी साइड पे जाएगा। तो मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। तो देखिए जो हमें सिलाई लगानी है वो इस साइड पे सीधी सिलाई लगानी है, और जो इस साइड पे लगानी है वो यहाँ से इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो इस साइड पे सिलाई लगानी है और इस साइड पे, हमें दो साइड पे ही सिलाई लगानी है पहले। तो देखिए अब हम इस साइड पे हमारी सिलाई लगाएंगे। तो देखिए ये हमारा फ्लैक्स एकदम सही से बाहर आ जाए, इसके लिए हमें इसके कॉर्नर्स को कट कर देना इस तरह से, और यहाँ पे साइड में भी हम कट लगा लेंगे। अब इसको हम उल्टी साइड पे पलट देंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारा ऊपर की साइड आ जाएगा। अब इसको भी हम एकदम सही से बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए अब इसके हम यहाँ पे कॉर्नर्स पे सिलाई मार देंगे। ये हमारा अस्तर ऊपर की तरफ ना, इस बात का ध्यान रखिए ये बुकरम थोड़ी सी मोटी है, इसलिए आपको अस्तर को अंदर की तरफ सही से करना होगा, इस तरह से एडजस्ट करके एकदम सही से, और फिर यहाँ से हमें टॉप सिलाई हमारी लगानी होगी। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हमें कॉर्नर से सिलाई लगा लेनी है पूरे में, इस साइड पे पूरी साइड पे, और ऐसे ही दूसरी साइड फ्लेक्सा वाली साइड पे भी हमें इसी तरह से हमारी सिलाई लगा लेनी है। तो अब हम हमारी इस साइड पे भी सिलाइयाँ लगा लेंगे। अब हम इनको भी इस तरह से कट कर लेंगे। तो देखिए अब हमें हमारे हैंडल्स को लगाना है। हैंडल्स को हमें इस तरह से इसके एकदम पास से लगाना है। देखिए लगाते हैं हम इनको इसी तरह से लगाना है। देखिए इस साइड से यहाँ पे लगाना है, और इसी तरह दूसरी साइड भी हमें यहाँ पे लगाना है।
तो जितना गैप हमें इस साइड पर रखेंगे उतना ही गैप हम इस साइड पर रखेंगे, दोनों साइड से हमें इक्वल ही गैप रखना है। तो देखिए इस तरह हमें इसी शेप में हमारे हैंडल को लगाना है, और ध्यान रहे हैंडल की सिलाई को एकदम सही से पक्का कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमारे दोनों हैंडल लग जाएंगे, और इसी साइड पे हमें सामने वाली साइड पे भी हमारे हैंडल लगाने हैं। तो देखिए हमने हमारे बैग के हैंडल लगा लिए हैं। अब हमें हमारी यहाँ पे सिलाई लगानी है। यहाँ पे जो हम सिलाई लगाएंगे बिल्कुल एक किनारे की सिलाई लगानी है, इस तरह से बिल्कुल एकदम सही से हमें बॉक्स के अंदर से सिलाई लगानी है। ये हमारी सिलाई चारों साइड पे हमें लगानी है, बिल्कुल एक किनारे की सिलाई लगानी है। मैं एक सिलाई आपको लगा कर दिखाती हूँ किस तरह से हमें लगानी है। एक कॉर्नर के हमें किनारे की सिलाई लगानी है, इसी तरह से हमारी चारों साइड पे हमारी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए चारों साइड से किनारे पे हमारी सिलाई बन के लग के एकदम रेडी है। अब हम इसको साइड से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ इन दोनों साइड्स पे हमारी सिलाई लगेगी और इन दोनों साइड्स पे हमारी सिलाई लगेगी। ये दो सिलाई लगाएंगे, ध्यान रखिए इन दोनों साइड्स की सिलाई को अच्छे से पक्का कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमारी सीट जो है वो मोटी होगी, उसमें मोटर सीट लगाई है तो सिलाई हमें अच्छे से लगानी होगी इसमें। तो देखिए जहाँ से हमें सिलाई लगाई है वहाँ पे इस तरह से हम एक पट्टी लेंगे, इसको इस तरह से डबल रखेंगे और यहाँ से लगाएंगे। ये पट्टी हम इसलिए लगा रहे हैं जिससे हमारी जो सिलाई है अंदर की तरफ नहीं दिखेगी, कोई धागा वगैरह नज़र नहीं आएंगे, एकदम सही से कवर हो जाएगी। पट्टे को हमें डबल रखना है और इस तरह से सिंगल सिलाई लगा देनी है। तो देखिए ये सिलाई लगा ली है। अब इसको हमें ऐसे इस तरह से फोल्ड करना है और ऐसे एक टॉप सिलाई और लगा देनी है जिससे बिल्कुल एकदम सही से धागे पैक हो जाएंगे। तो देखिए हमने दोनों साइड से हमारी पाइपिंग इस तरह से पट्टी लगा ली जिससे हमारे थ्रेड दिखेंगे नहीं बाहर की तरफ। अब हमें ये वाली साइड पे भी इस तरह से यहाँ पे सिलाई हम लगा लेंगे। तो देखिए हमने हमारे दोनों साइड पे सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे भी हम इसी तरह की पट्टी लगा देंगे जिससे यहाँ के धागे भी हमारे कवर हो जाएंगे। तो देखिए हमारा बैग रेडी हो गया साइडों से सिलाई लग के। अब हमें इस तरह से एक टेप आती है मार्केट में, आपको इजीली कहीं भी मिल जाएगी, ये टेप हम इस पर लगा लेंगे। एक हमें इस पर लगानी है और एक इस पर लगानी है जिससे इस तरह से यहाँ पे एकदम सही से बंद हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा प्यारा सा बहुत ही सुंदर सा बैग बन के बिल्कुल रेडी है। इसी तरह आप हमारी वीडियो देख के बहुत ही सुंदर सा बैग अपने लिए भी बना सकते हो, और ये बैग देखने में कोई पर्स से कम लुक नहीं देगा। तो देखिए इस तरह से आप इसको बंद भी कर सकते हैं। तो देखिए तो इसके अंदर सामान भी काफ़ी अच्छा जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।